शहर के वार्ड नंबर 11 के सिहोटी स्थित आम बागान में बुधवार को आगामी दुर्गा पूजा को लेकर सार्वजनिक श्री माँ दुर्गा पूजा समिति की बैठक हुई। इस मौके पर पहली बार भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। सिहोटी के लोगों ने यह बताया कि इस वर्ष बड़े ही भव्य रूप से प्रतिमा स्थापित कर माँ दुर्गा की पूजा की जाएगी। पूरे मोहल्ले वासियों ने बैठक में हिस्सा लिया और पूजा को सफल बनाने का निर्णय लिया। बताया कि कलश स्थापना के साथ कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो वार्ड के विभिन्न मोहल्ले में घूमते हुए उसरी नदी से जल उठाकर पूजा स्थल पर स्थापित किया जाएगा। आम बगान में हो रहे इस वर्ष दुर्गा पूजा में भव्य पंडाल, लाइट की सजावट, विधि व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था देखने लायक रहेगी। साथ ही मीना बाजार व मेला का आयोजन भी होगा। पूजा को सफल बनाने में अध्यक्ष अशोक राम, सचिव दीपक यादव, कोषाध्यक्ष उमेश यादव, उपाध्यक्ष शिवनंदन प्रसाद, सह सचिव विजय सिंह, केदार वर्मा, सोनू राम, रविंद्र शर्मा, पुरुषोत्तम अम्बस्ट, विजय राम, नकुल राम, गुड्डू सिन्हा, मृत्युंजय, सुरेंद्र साह, सुशील शर्मा, दिनेश लखन चौधरी, सुजीत यादव, मनीष यादव, बिहारी यादव, मनोज राम सहित कई कार्यकर्ता पूजा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। दुर्गा समिति आम बगान की ओर से सबसे पहले हम गिरिडीह वासियों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इस आम बगान में भव्य पूजा पंडाल बन रहा है हमारे यहाँ, और इसमें सहयोग हमारे नगर निगम से के द्वारा बहुत ज़्यादा सहयोग यहाँ मिल रहा है। प्लांट के तरफ से भी डस्ट वगैरह गिराया जा रहा है, जो मैदान को मिट्टी से भर करके इसको सुविधा के लिए किसी पब्लिक को कोई दिक्कत न हो। और इस मेले इस ग्राउंड में भव्य मेला का आयोजन जो हो रहा है वो बाहर से आए हुए हैं, जो यहाँ तारा माछी डिस्को डांस वाला जो आपका जो झूला है और नाव बच्चे लोग के लिए नाव के व्यवस्था है, इस तरह का सारा मेला का जो होता है वो सारा व्यवस्था यहाँ मिल रहा है। और आश्वासन हम लोग को प्रशासन के तरफ से भी मिला है कि आपके यहाँ एक कैंप हम लोग लगाएंगे, जो हम लोग इनको सुविधा दे कर के कि किसी भी तरह का कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस हम लोग को पूजा समिति को ना हो। और हम आशा करते हैं कि यहाँ का पब्लिक, यहाँ के सारे लोग हम लोग को सहयोग करेंगे और इस पूजा को सफल बनाने के लिए हमें सहयोग करेंगे। धन्यवाद। इस वर्ष आम बगान सीओडी में पहली बार दुर्गा पूजा का पंडाल दुर्गा पूजा बनाया जा रहा है और साथ ही यहाँ पे बच्चों और जो लोग यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं उनके लिए मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। अतः समिति की ओर से आग्रह करता हूँ कि अब तमाम गिरिडीहवासी एक बार यहाँ मेले का लुत्फ उठाने और प्रतिमा दर्शन करने के लिए अवश्य पधारें। सीहोड़ी आम बगान में श्री श्री दुर्गा पूजा समिति की ओर से यहाँ पर एक भव्य पूजा का आयोजन किया गया है। सिहोड़ी आम बगान में यहाँ सारे लोगों का व्यवस्था के लिए, यहाँ श्रद्धालुओं का व्यवस्था के लिए यहाँ नगर निगम के द्वारा यहाँ बाथरूम का भी व्यवस्था किया गया है। बच्चों के खेल कूद के लिए यहाँ भव्य रूप से यहाँ मेला लगाया जा रहा है और यहाँ पर दोनों महिला और पुरुष को दर्शन के लिए दोनों तरफ से ब्रैकेट लगा करके यहाँ महिला एक तरफ और पुरुष एक तरफ अपना माँ का दर्शन करें, पूजा आराधना करें, उसका भी व्यवस्था हम लोग लगाए हुए हैं यहाँ पर। दूसरी ओर से यहाँ पर हम लोग 4 CCTV कैमरा लगाया गया है, ड्रोन कैमरा लगाया गया है और यहाँ पर कमेटी की ओर से 20 वॉलंटियर को रखा गया है कि अगर किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, महसूस हो, तो वो अपना शिकायत वॉलंटियर के सामने रख सकता है। और मैं इस मीडिया के माध्यम से, इस कैमरा के माध्यम से सारे लोग, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही हो, जहाँ तक लोग आप देख रहे हैं, सारे को हम आमंत्रित करते हैं कि इस बार का मेला देखने मेरे आम बगान सिहोड़ी आप उपस्थित होइए। और साथ में आपको ये भी हम बता देना चाहते हैं कि इस मेला में यहाँ पर बच्चों से लेकर के बूढ़ों का जो व्यवस्था लगाया गया है, इसमें आपको पार्किंग के लिए भी हम व्यवस्था दिए हुए हैं और यहाँ पीने के लिए भी हम जल का व्यवस्था दिए हुए हैं। और यहाँ पर आप लोगों से एक निवेदन होगा कि आप यहाँ पर चिंता मुक्त होकर के यहाँ पर विधि व्यवस्था को देखते हुए आप लोग यहाँ पधारिए। धन्यवाद।